अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। 28 लाख दीपक बिछाया जाएगा तो 25 लाख दीपक जलाया जाएगा। एक बार फिर अवध विश्वविद्यालय के 30,000 वॉलंटियर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। लेकिन इस बार के दीपोत्सव में अयोध्या के कुम्हार का भी अहम योगदान रहता है। अयोध्या के कुम्हार 40 घर मिलकर लगभग 10 लाख दीपक तैयार किए थे। हालांकि ठेकेदार ने इन्हें 10 लाख दीपक बनाने का तो ऑर्डर दिया था, लेकिन 7 लाख की दीपक इनसे लिया गया। हम इन्हीं से जानते हैं आखिर क्या वजह है, क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ था भैया, आप लोगों को कितना ऑर्डर मिला था? 10 लाख का दिया का ऑर्डर मिला था हम लोग को, जिसमें ये 20 तारीख को हमको बोले कि भैया अब आपका दिया नहीं उठेगा। तो हम लोग बोले क्यों नहीं साहब उठेगा, बोल रहे हैं कि हमारा माल पूरा हो गया है, अब आप लोग का दिया नहीं उठेगा। अच्छा, कितना दिया आप लोगों ने? दिया 7 लाख दिया 7,10,000। तो आप क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि दिया नहीं उठेगा, हम लोग का पूरा दिया बनाकर कम से कम 2,90,000 दिया बना के वैसे रखे हैं और दिया नहीं उठा रहे। लेकिन योगी सरकार आए दिन दीपोत्सव में, पिछली बार 21 लाख दीपक जलाया गया था, इस बार 28 लाख दीपक जलाया जा रहा है, तो आप लोग का इनकम भी तो कुछ बढ़ता होगा? इनकम यही है साहब, जो इनकम है वो खाने के रखा है हम लोग के घर पे, दिया ही नहीं उठ रहा तो इनकम क्या चीज़ का है, कुछ नहीं, हम लोग का घाटा ही है। तो योगी सरकार को कैसे देखते हैं आप, योगी जी के लिए क्या? योगी जी हम लोग के लिए तो बहुत अच्छे हैं, हम लोग का हमेशा काम अच्छा ही किए हैं, लेकिन जो भी ठेकेदार है ये हम लोग को हमेशा बजा देते हैं क्योंकि हमारा माल नहीं ले रहे हैं। इसमें योगी जी का तो दोष है नहीं, वो तो ठेकेदार का दोष है ना, इसलिए ठेकेदार के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई किया जाए कि हम लोग के माल उठाए। क्या क्या हुआ था भैया, आप लोग 40 घर मिलकर अयोध्या दीपोत्सव को भव्य बनाने में अपना अहम योगदान भी दे रहे हैं, तो क्या वजह है, क्यों ठेकेदार नहीं दे रहा? अब ठेकेदार ने, जैसे कुछ ठेकेदार होते हैं कि दे देते हैं, उनको टेंडर चाहिए रहता है कुछ पैसा कमाने के लिए, तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मगर कुछ पैसा कमाने के लिए हम लोगों को दे देते हैं, हम लोग बना देते हैं उतना दिया, उसके बाद वो मुखर जाते हैं दूसरे, जिससे उन्हें सस्ते में मिला। हम लोगों को 40 घर को दिया गया, 10 लाख दिया, मगर अभी 7 लाख ले गए हैं, अभी 3 लाख नहीं ले गए। हम लोगों के घर पे ये मॉडल बिकता नहीं है मार्केट में, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वो दीपोत्सव में ही यूज होता है। अच्छा, योगी जी आए दिन दीपकों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, जिससे आप लोग की आमदनी भी बढ़ती होगी। हाँ, ये तो हम लोगों के आर्थिक स्थिति में थोड़ा मदद मिल जाती है, लेकिन अब 3 लाख दीपक नहीं लिया जा रहा, थोड़ा दिक्कत होगा दीपोत्सव में हम लोग मनाते हैं जो। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं। चाचा, क्या दिक्कत है आपको, आप लोग दीपावली में अहम योगदान निभा रहे हैं, कैसा लग रहा है इस बार? अब क्या करें, जब सामान नहीं जा रहा तो हम लोग का दीपोत्सव मनाए रहे ठीक, हम उसको मानते हैं, अब बढ़ जा रहा माल क्या करें, रात दिन बनाए वो करे दीपोत्सव में, अब बाहर से वो मंगाए रहे हैं तो इसको आर्डर दे दिए बनाओ, इसको कहाँ रखें बोलो, इसको कहाँ रखा जाए। अच्छा, योगी जी आए दिन जो है, पिछली बार आप लोगों से 5 लाख दीपक लिया गया था, इस बार 10 लाख लिया गया, तो इनकम बढ़ता है कि नहीं? इनकम बढ़ रहा था, और हमें, हम लोग को कब परेशानी, जब से शुरू से आए जलाने लगे हैं तब से दिया जा रहा है सामान। 40 घर मिलकर सब बराबर देते रहे। अयोध्या के जयसिंहपुर गांव के 40 घर कुम्हार मिलकर लगभग 10 लाख दीपक तैयार करते हैं, लेकिन ठेकेदार की मनमानी है कि अयोध्या के कुम्हारों से 7 ही लाख दीपक लिया गया और 3 लाख दीपक नहीं लिया गया। हालांकि अयोध्या के कुम्हार योगी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, इनका कहना है कि जल्द हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द 3 लाख दीपक और हमारा लिया जाए, ताकि हमारी घर की रोशनी दीपावली में और रोशन हो सके। ये जितने भी दीपक हैं सब अयोध्या के कुम्हार के, अयोध्या के जो आसपास के गांव हैं, जयसिंहपुर, अलगारा, गपुरवा इत्यादि इत्यादि, वो सब वहीं से आ रहे हैं, कोई दीपक बाहर से नहीं आता है। दीपक चूंकि कई वर्षों से ये प्रोग्राम हो रहा है, तो जो हमारे गांव के लोग हैं वो पहले से ही अलर्ट रहते हैं और एडवांस में वो बनाए रहते हैं। पहले ये ज़रूरत पड़ती थी दूसरे ज़िलों से, व्यापार में ये बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है दीपोत्सव का, कि सही में उनको अर्थ का उपार्जन होता है और सही में वो दीपावली मनाते हैं, क्योंकि उनको इकट्ठा पैसा मिल जाता है, वो बहुत ही खुशहाल रहते हैं। ये हम लोगों को भी आत्मसंतुष्टि होती है कि दीपोत्सव के बहाने जो हमारा स्थानीय कारीगर है, स्थानीय कुम्हार है, उसके घर में सही में खुशहाली आर्थिक उपार्जन से आती है।